नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णिमा शंकर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ राशि उपचार में। जैसा कि थंबनेल देखकर दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि आज मैं बात करने वाली हूँ कि कुंवारी लड़कियाँ कैसे कर सकती है करवा चौथ और उनके लिए क्या अलग नियम होते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। ये व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है और इस साल ये 13 अक्टूबर 2022 को रखा जा रहा है। बता दें कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महिलाएं भोजन करती हैं, जिसे सर्गी कहा जाता है, और बाकी दिन वे बिना खाए पिए रहती हैं। वे रात के समय चांद को देखकर ही अपना व्रत खोलती हैं। ये व्रत ज्यादातर शादीशुदा महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर कुंवारी कन्या भी इस व्रत का पालन करती है। कुंवारी लड़कियों और महिलाओं के लिए व्रत के नियम थोड़े अलग है, तो आइए जानते हैं कि कैसे कुंवारी लड़कियाँ व्रत रख सकती है। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियां और ऐसी लड़कियां जिनका विवाह तय हो गया हो, वे भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, या फिर वो लड़कियां जो किसी प्रेम संबंध में हो। अविवाहित लड़कियों को व्रत का पालन सामान्य नियम अनुसार ही करना होता है, लेकिन व्रत में पूजा से संबंधित कुछ नियम इनके लिए बदल जाते हैं, जो इनके व्रत को विवाहित महिलाओं के व्रत से थोड़ा अलग करते हैं। कुंवारी लड़कियां निर्हार व्रत रख सकती हैं, उन्हें निर्जल व्रत रखने की जरूरत नहीं होती है। शादी के बाद वह निर्जल व्रत रखें, क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है, इसलिए आपके लिए न तो कोई सर्गी होगी और न ही आप बायना निकालेंगी। इसलिए कुंवारी लड़कियां केवल करवा चौथ माता भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करें और उनकी कथा सुन सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी लड़कियों को चांद देखकर भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। वह तारे देकर व्रत का समापन कर सकती हैं, तारों को जल से अर्घ देकर पूजन करें और व्रत खोल सकती हैं। साथ ही दोस्तों, कहा जाता है कि तारों को देखते समय छलनी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। लड़कियां चाहे तो अपने दुपट्टे का भी प्रयोग कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी पूजा को लेकर संबंधित क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुंवारी लड़कियों को कैसे पूजा करनी है, मैंने इस पर एक और वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे भी अगर ज़रूर चेक कीजिएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिएगा राशि उपचार। धन्यवाद।